आशा करता हूं आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम महेंद्र सिंह, एमएसपी जीके ग्रुप पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। चलिए दोस्तों शुरू करते हैं आज का अपना लेक्चर, पुर्तगाली गवर्नर। जी हां, हमारे देश के अंदर सबसे पहले यूरोपियन कंपनी की अगर बात करें तो सबसे पहले भारत में आने वाले पुर्तगाली थे और सबसे लास्ट में भी जाने वाले पुर्तगाली थे। भारत में सबसे पहले भारत के समुद्री मार्ग की खोज पुर्तगाल के एक व्यक्ति हुआ करता था, वास्को डी गामा। जो वास्को डी गामा हमारे देश में 20 मई 1498 ईस्वी को कालीकट के कप डाबू नामक बंदरगाह पर आया था। ये लेक्चर मैं आपको पढ़ा चुका हूं वैसे अबाउट वास्को डी गामा, वास्को डी गामा की बायोग्राफी मैं पूरी करवा चुका हूं, आप लोग मेरे लेक्चर को देख सकते हो प्लेलिस्ट के अंदर। अब हम बात करेंगे जो ये पुर्तगाली हमारे देश में आए। देखो हमने पहले क्या कवर किया था इनके अंदर, पुर्तगाली वास्को डी गामा सबसे पहले आया, उसके बाद ये कोई ट्रीटी संधि वगैरह व्यापार की जैमोरिन राजा के साथ नहीं कर पाया था। उसके बाद भारत में आने वाला जो दूसरा पुर्तगाली व्यक्ति था ना, उसका नाम आप जानते होंगे, पेट्रा अल्वारेज कैब्राल, जो कि हमारे देश में सन 1500 ईस्वी के अंदर आए थे। जैमोरिन के शासनकाल में ही सन 1500 में द्वितीय पुर्तगाली व्यक्ति पेट्रा अल्वारेज कैब्राल। जी हाँ, ये वही पेट्रा अल्वारेज कैब्राल है जिन्होंने सन 1500 ईस्वी में ब्राजील की भी खोज की थी। बड़ा डिप्लोमेटिक टाइप का बंदा था, हिंदुस्तान में आता है और ये जैमोरिन के साथ भारत में व्यापार करने का समझौता कर डालता है। लेकिन उसके बाद हमने आपको बताया था कि उसके बाद बैटल ऑफ कोचीन भारत में होता है, तो कैसे क्या हुआ था बैटल ऑफ कोचीन, इसकी भी मैं वीडियो बना चुका हूं, आप लोग हमारे चैनल एमएसपीजी के ग्रुप पर बैटल ऑफ कोचीन को देख सकते हो। अब ये हमारे देश के अंदर बैटल ऑफ कोचीन के बाद इन्होंने हमारे देश के अंदर शासन सत्ता व्यापार बिल्कुल एक तरह से सेट कर डाला था, और बैटल ऑफ कोचीन का क्या प्रभाव पड़ा हिंदुस्तान पर, क्या प्रभाव पड़ा और पुर्तगालियों को बैटल ऑफ कोचीन का क्या क्या फायदा मिला, उसके बाद ये हमारे देश में कैसे कैसे व्यापार केंद्र सेट करते हैं और भारत को कवर करने की कोशिश करते हैं। इनके बाद में हमारे देश के अंदर गवर्नर आने लगे, तो जो पुर्तगाली गवर्नर आए थे, आज हम अपने लेक्चर में उन पुर्तगाली गवर्नरों के बारे में बात करेंगे कि कौन कौन सा पुर्तगाली गवर्नर हमारे देश में शासन करके गया और उनके क्या कार्य थे और भारत में कैसे उन्होंने एक तरह से अपना यहां पर शासन सत्ता चलाई। तो जो भी पुर्तगाली गवर्नर थे, ठीक है, ध्यान रहे हमारे देश के अंदर कुल 128 पुर्तगाली गवर्नर हुए थे, जिनमें से हमें कुछ अपने एग्जाम के दृष्टिकोण से मेन मेन याद करनी है जो अपने एग्जाम के अंदर आते हैं, ठीक है। तो देखिएगा जो पुर्तगाली गवर्नर है उनमें से सबसे पहला जो पुर्तगाली गवर्नर था, फर्स्ट जो पुर्तगाली गवर्नर था भारत के अंदर, वो आया था फ्रांसिस्को, फ्रांसिस्को डी अल्मोड़ा, ठीक है जी, फ्रांसिस्को डी अल्मोड़ा, ये हमारे देश में फर्स्ट पुर्तगाली गवर्नर थे फ्रांसिस्को डी अल्मोड़ा। अब जो फ्रांसिस्को डी अल्मोड़ा है, इसका शासनकाल की अगर मैं बात करूं भाई, तो सन 1505 ईस्वी से लेकर सन 1509 ईस्वी तक इसने हमारे देश के अंदर शासन किया था, 1505 से लेकर 1509 फर्स्ट पुर्तगाली गवर्नर थे। तो हमें इनके बारे में याद करना है कि ये इन्होंने क्या क्या शासन हमारे देश के अंदर किया, जो भी चीजें इनके शासनकाल में कौन कौन से युद्ध लड़े गए, ठीक है, जो भी गतिविधियां हुई थी वो हमने कवर करना है। तो पुर्तगाली गवर्नर को हम लोग पढ़ने जा रहे हैं, जिसमें से मैंने पहला पुर्तगाली गवर्नर बताया है फ्रांसिस्को डी अल्मोड़ा। अब अबाउट फ्रांसिस्को डी अल्मोड़ा वो चीजें हमें याद करनी है। तो देखिएगा इसका जो पहला पॉइंट, देखो पहला पॉइंट तो आप लोग समझ रहे होंगे, भारत में फर्स्ट पुर्तगाली गवर्नर है, फर्स्ट पुर्तगाली गवर्नर भारत में कौन है, फर्स्ट पुर्तगाली गवर्नर भारत में फ्रांसिस्को डी अल्मोड़ा है। अब जब ये भारत में आया तो पुर्तगाल के राजाओं ने इनके एक पॉलिसी दी थी इसको, जिसका नाम था ब्लू वाटर पॉलिसी, ठीक है जी, बिल्कुल ब्लू वाटर पॉलिसी, ब्लू वाटर पॉलिसी भारत में लेकर आया था। ब्लू वाटर पॉलिसी का मतलब क्या था कि इसके तहत, ब्लू वाटर पॉलिसी के तहत इन पुर्तगालियों का हमारे देश के अंदर जो दक्षिण में हिंद महासागर है, इन लोगों का टारगेट था कि हिंद महासागर पर नियंत्रण करना है, हिंद महासागर पर नियंत्रण इन लोगों ने करना है। और हिंद महासागर पर नियंत्रण करने के लिए इन पुर्तगालियों ने ब्लू वाटर पॉलिसी लागू की थी। तो किसके शासनकाल में ब्लू वाटर पॉलिसी लागू की, अगर आपके एग्जाम में कभी आए तो आप लोग आंसर दे सकते हो, अल्फांसो डी, सॉरी क्या नाम है, फ्रांसिस नियंत्रण करने के लिए, लेकिन ये हिंद महासागर पर नियंत्रण नहीं कर पाया।
उसके बाद जब ये हमारे देश में देखो व्यापार करने आते हैं, तो मैंने आपको लास्ट लेक्चर के अंदर भी बताया था कि उससे पहले हमारे देश में गुजराती व्यापारी, तुर्क व्यापारी, अरब व्यापारी, ये पहले से भारत में व्यापार करते थे, लेकिन अब ये यूरोप के पुर्तगाली लोग हमारे देश में व्यापार करने आ रहे हैं, यानी उनके कंपटीशन में ये पुर्तगाली लोग आ रहे हैं, तो भाई उनको भी अच्छा नहीं लगेगा। तो इन पुर्तगालियों को इंडिया से भगाने के लिए उन्होंने काफ़ी एक्शन लिए थे, काफ़ी अटैक भी किए थे, ठीक है। और जब ये पुर्तगाली गवर्नर भारत में पहला आता है, तो इसके शासनकाल में भी उन अरबों का, तुर्क का, गुजरातियों का, उनका युद्ध इन जो अल्मोड है इसके शासनकाल में, उन लोगों का युद्ध इसके साथ होता भी है। तो इसके शासनकाल में दो युद्ध हुए थे, उन युद्ध के बारे में आप लोग समझना। एक तो पहला मैं युद्ध बता रहा हूं जिसका नाम है चोल का युद्ध, इसके शासनकाल में हुआ था चोल का युद्ध। ये चोल का युद्ध सन 1508 ईस्वी में हुआ था, ये आप लोग ध्यान रहे, सन 1508 ईस्वी में चोल का युद्ध लड़ा गया था, सन 1508 ईस्वी में। इस युद्ध में ये हार गए थे और फ्रांसिस्को डी अल्मोड़ा का बेटा भी यहां पर, उसका पुत्र भी यहां पर इस युद्ध में मारा गया था, इस चोल के युद्ध में। तो बैटल ऑफ चोल आप लोग समझ रहे होंगे, बैटल ऑफ चोल कब हुआ था, ये बैटल ऑफ चोल सन 1508 में हुआ था, इसके बाद की अगर बात करें तो एक और युद्ध हुआ था जिसका नाम है दीव का युद्ध, बड़ा डेंजरस युद्ध था, ठीक है। इसकी स्पेशल भी पॉइंट मैं आपके सामने लेकर आऊंगा वीडियो में, दीव का युद्ध, बैटल ऑफ दीव। तो जो दीव का युद्ध है ना, ये सन 1509 ईस्वी के अंदर हुआ था, और इन पुर्तगालियों की इस युद्ध के बाद थोड़ी बहुत पावर जो पहले 1508 के युद्ध में समाप्त हो गई थी, वो इस युद्ध में इन्होंने बना ली थी, ठीक है। तो ये दो युद्ध है ना, ये इस अल्मोड़ा के शासनकाल में लड़े गए थे, चोल का युद्ध और दीव का युद्ध। तो आप लोग जो फर्स्ट पुर्तगाली गवर्नर है शायद उसके बारे में समझ रहे होगे, ज्यादा इतना शासनकाल इसका बड़ा था नहीं, फर्स्ट पुर्तगाली गवर्नर है और इसके शासनकाल में क्या क्या हुआ था वो चीजें मैंने बता दी है। एक तो फर्स्ट पुर्तगाली गवर्नर फ्रांसिस्को डी अल्मोड़ा, ठीक है, फ्रांसिस्को डी अल्मोड़ा, और दूसरा ब्लू वाटर पॉलिसी इसके शासनकाल में आई हिंद महासागर पर नियंत्रण करने के लिए। लेकिन ध्यान रहे, पुर्तगाली लोग इसके शासनकाल में, हिंद महासागर पर नियंत्रण नहीं कर पाते हैं। उसके बाद इसी के शासनकाल में दो युद्ध लड़े गए थे, एक तो चोल का युद्ध बताया मैंने, एक दीव का युद्ध बताया। जो चोल का युद्ध है वो 1508 में लड़ा गया था, इसमें इसका बेटा मारा भी गया था, अल्मोड़ा का पुत्र इसमें मारा गया था। और दूसरा दीव का युद्ध 1509 में लड़ा जा रहा है, जो पावर पुर्तगालियों की थोड़ी बहुत खत्म हुई थी वो कुछ पावर इसकी इस युद्ध में, दीव के युद्ध में इन पुर्तगालियों की बन जाती है। तो इतना ज़्यादा खास कुछ काम ये कर नहीं पाया था, लेकिन आप लोग इसके अंदर समझ रहे होंगे कि इसके शासनकाल में क्या क्या घटना हुई है, ये सारी चीज़ें आप लोग करना। अब जो पुर्तगालियों का दूसरा गवर्नर था, ठीक है, पुर्तगालियों का जो दूसरा गवर्नर था उसमें कौन है वो भी मैं आपको बता देता हूँ, फर्स्ट कौन है वो आप लोग शायद समझ गए होंगे, ठीक है जी। नेक्स्ट हम बात करेंगे पुर्तगालियों का दूसरा गवर्नर, ठीक है, जो पुर्तगालियों का दूसरा गवर्नर था उनका नाम था भाई फ्रांसिस्को डी अल्मोड़ा फर्स्ट है, ये आप लोग आराम से समझ रहे होंगे, कोई भी डाउट हो तो आप लोग कमेंट भी कर देना। नेक्स्ट मैं यहां पे बता रहा हूं, नेक्स्ट दूसरा गवर्नर था अल्फांसो, ठीक है, अल्फांसो डी अल्बुकर्क, ठीक है भाई, अल्फांसो डी अल्बुकर्क, ये इस पुर्तगालियों का दूसरा गवर्नर है हमारे देश के अंदर। इसका जो शासनकाल है वो कब से कब तक रहेगा, तो भाई 1509 में ये शासन ग्रहण करता है, क्योंकि अल्मोड़ा 1509 तक रहता है पहले वाला, तो पहले वाला गया तो दूसरा वाला 9 में आ गया। तो 1509 से लेकर सन 1515 ईस्वी तक, टाइमिंग अगर आप लोग याद करना चाहो तो सन 1509 से लेकर 1515 ईस्वी तक इसने शासन किया था, 1509 से 1515 ईस्वी तक। अब इसकी कुछ हमें विशेषता याद करनी है, इंपॉर्टेंट है, ध्यान रहे, पुर्तगाली के गवर्नर में ज्यादातर क्वेश्चन आपको अल्फांसो डी अल्बुकर्क के एग्जाम में मिल जाते हैं, तो आप लोगों को इसको अच्छी तरह याद करना है, क्योंकि ये हमारे देश में पुर्तगालियों का वास्तविक संस्थापक है। समझ रहे मैं क्या कह रहा हूं, पुर्तगालियों का भारत में जो वास्तविक संस्थापक है वो अल्बुकर्क नाम का है। तो इसको देखो, यहां पर मैंने क्या कहा, इसको मैंने वास्तविक संस्थापक कहा है, पुर्तगालियों का वास्तविक संस्थापक, ठीक है जी,
पुर्तगालियों का वास्तविक संस्थापक है। अब वास्तविक संस्थापक इसको क्यों कहा गया, कोई ना कोई तो कारण होगा, ठीक है। तो इसके इसने क्या क्या भारत के अंदर एक तरह से काम किया, वो इसकी एक लिस्ट याद करनी है जो अपने एग्जामों के अंदर कवर हो जाती है, और आपको उसमें एक तरह से नाम बताना पड़ता है कि कौन पुर्तगाली गवर्नर ये काम करके गया। तो कौन कौन से काम इसके शासनकाल में हुए थे वो थोड़ी सी हम लिस्ट कवर कर लेते हैं। तो देखो वास्तविक संस्थापक कहा गया, मैं ये वास्तविक संस्थापक इसको इसलिए बता रहा हूं, एक तो जो गोवा हुआ करता था, ठीक है समझना आप लोग, एक तो पॉइंट में बता रहा हूं, जो गोवा हुआ करता था और इन्होंने गोवा पर काफी साल तक राज किया है, काफी क्या हमेशा इन्होंने जब तक रहे तब तक गोवा पर इनका शासन हुआ है। तो जो गोवा है ना सन 1510 ईस्वी का समय था, ध्यान रहे सन 1510 ईस्वी में इन लोगों ने गोवा पर अधिकार कर लिया था। सन 1510 ईस्वी में मैं क्या बोल रहा हूं, सन 1510 ईस्वी में इन्होंने गोवा पर अधिकार कर लिया था। और किससे जीता था गोवा इन्होंने, तो एक आपने शायद सुनी होगी सल्तनत बीजापुर के बारे में, आपने कभी पढ़ा हो तो, ये हम पढ़ाएंगे भी आपको। तो जो बीजापुर है ना, बीजापुर के एक शासक हुआ करता था जिसका नाम था आदिल शाह मोहम्मद सुल्तान भी बोल सकते हो आप लोग इसको, ठीक है। इस राजा से, बीजापुर का राजा था ये, और उस समय जो ये बीजापुर है इसके अंडर में आया करता था गोवा। तो इन्होंने क्या किया, आदिल शाही सुल्तान से, यानी आदिल शाह सुल्तान, आदिल शाह यूसुफ सुल्तान, इसका आप पूरा नाम भी याद करना चाहो तो मोहम्मद आदिल शाह यूसुफ सुल्तान, ठीक है, ज्यादातर आपको ये आदिल शाह यूसुफ सुल्तान लिखा मिलेगा। तो हुआ क्या, सन 1510 ईस्वी में इस अल्फांसो डी अल्बुकर्क ने बीजापुर के शासक मोहम्मद आदिल शाह यूसुफ सुल्तान से गोवा छीन लिया, और गोवा पर इन लोगों का 1510 में अधिकार हो गया। ध्यान रहे गोवा पर इनका अधिकार हुआ है, ठीक है। तो गोवा पर अधिकार करने वाला पुर्तगाली गवर्नर कौन है, अल्फांसो डी अल्बुकर्क, समझ जाओगे। और किससे छीना था गोवा इन्होंने, इन्होंने गोवा छीना था आदिल शाही यूसुफ सुल्तान से, जो कि बीजापुर का राजा हुआ करता था। एक तो पॉइंट इसका ये याद करना है। दूसरा, इसने अपनी जो कैपिटल है, वास्तविक संस्थापक की बात कर रहे हैं, ठीक है, तो इसकी लिस्ट में बता रहा हूं, इसकी जो राजधानी है इसने अपनी राजधानी क्या बनाई थी, ठीक है, पुर्तगाल की जो राजधानी है, तो इसने अपनी राजधानी क्या बनाई थी, तो भाई इसकी राजधानी हुआ करती थी कोचीन। ध्यान रहे गोवा मत यहां पर आंसर डाल देना, मैं क्या कह रहा हूं, अल्बुकर्क की जो कैपिटल है, अल्बुकर्क की जो राजधानी है वो कोचीन थी, इसने अपनी राजधानी कोचीन स्थापित की थी केरल में, लेकिन गोवा पर अधिकार किया 1510 में, बट इसने गोवा को राजधानी नहीं बनाया था, इसने गोवा को राजधानी नहीं बनाया, इसने गोवा पर अधिकार किया था। गोवा को राजधानी किस पुर्तगाली गवर्नर ने बनाया वो अभी हमारे आगे पॉइंट में आएगा। तो अभी मैं कह रहा हूं गोवा पर अधिकार करने वाला कौन है, आप लोग समझना अल्बुकर्क, और अल्बुकर्क ने राजधानी क्या बनाई, कोचीन, इसने राजधानी बनाई थी कोचीन, इसने राजधानी बनाई थी। वास्तविक संस्थापक है तो काफी ने विजय पताका भी भारत में लहराई थी, इस भाई साहब ने काफी विजय पताका भी दुनिया में अपने भारत के अंदर लहराई थी, और कौन कौन सी विजय पताका लहराई इसकी वो भी पॉइंट में आपको बता दूं। इसने वास्तविक जो संस्थापक है अल्बुकर्क, देखो गोवा पर अधिकार, विजय पताका की बात करें तो गोवा को तो कब जीता, गोवा को जीता भाई साहब सन 1510 ईस्वी में, सन 1510 ईस्वी में इन्होंने गोवा पर अधिकार किया। एक आपने सुनोगा मलक्का, मलक्का, मलक्का पर इसने अधिकार किया था, मलक्का पर सन 1511 ईस्वी में, मलक्का पर अधिकार किया सन 1511 ईस्वी में, 1511 में। एक क्षेत्र आप सुनोगे ईरान के साउथ में होर्मुज, इस होर्मुज क्षेत्र पर भी इसने अधिकार किया सन 1515 ईस्वी में। तो ये इसकी विजय पताका की मैं बात कर रहा हूं, इसलिए तो वास्तविक संस्थापक कहा जाता है, ऐवी वास्तविक संस्थापक थोड़ी ना कहा गया, इसने कुछ काम किए, इसने पुर्तगालियों का शासन भारत में, पुर्तगालियों का क्षेत्र बढ़ाया, ठीक है। और कैसे बढ़ाया, सबसे पहले इसने मैंने कहा गोवा पर अधिकार किए, उसके बाद इसने मलक्का पर सन 1511 में मलक्का पर अधिकार किया, और होर्मुज को इसने 1515 में अपने अंडर में लिया। और जो ब्लू वाटर पॉलिसी, इसके शासनकाल अल्मोड़ा के काल में जो ब्लू वाटर पॉलिसी शुरू हुई थी, यानी हिंद महासागर पर नियंत्रण करने के लिए, ये पहला वाला तो हिंद महासागर पर नियंत्रण नहीं कर पाया, लेकिन अल्बुकर्क जो है वो हिंद महासागर पर नियंत्रण भी कर चुका था, इसने हिंद महासागर पर नियंत्रण भी किया, ठीक है। तो एक तो ये चीजें आप लोग इनकी याद करना अल्बुकर्क की। दूसरा, इसका एक पॉइंट और मैं बता दूं अल्बुकर्क का, और इनके पॉइंट देखना। इस अल्बुकर्क ने, अल्बुकर्क ने सन 1515 ईस्वी के अंदर गोवा में,
जो गोवा इन्होंने 1510 में अंडर में लिया था, गोवा में इन्होंने एक चर्च बनाया था, गोवा में इसने एक चर्च बनाया था जिसका नाम था सेंट जेवियर चर्च। तो इन्होंने गोवा में अपना पहला एक चर्च बनाया जिसका नाम मैंने यहां पे लिखा है सेंट जेवियर चर्च। तो सन 1515 ईस्वी में इसने गोवा में सेंट जेवियर चर्च का भी निर्माण करवाया था सन 1515 में। तो इसके काम बता रहा हूं मैं, ये चीजें आप लोग याद करना, ठीक है, जो भी लिस्ट में इनकी बना रहा हूं। उसके बाद देखो, उसके बाद एक पॉइंट और मैं बता दूं, सती प्रथा। आप लोग सभी जानते होंगे सती प्रथा के बारे में। हमारे प्राचीन भारत में सती प्रथा का पहला प्रमाण मिला था गुप्त शासन काल में, एरण अभिलेख में सबसे पहले सती प्रथा का प्रमाण मिलता है। मैं आपको प्राचीन भारत के अंदर पढ़ाऊंगा अभी, ठीक है, एरण अभिलेख के अंदर, तो सारी डिटेल पढ़ेंगे। और भारत में इस सती प्रथा का दी एंड, आपको जानते होंगे आप लोग सती प्रथा का दी एंड सन 1829 में राजाराम मोहन राय जी के शासन का, राजाराम मोहन राय जी के प्रयासों से किया गया था। और उस समय गवर्नर कौन थे भारत के, उस समय गवर्नर जनरल कौन हुआ करते थे, हमारे देश के जो पहले गवर्नर जनरल थे, कौन थे भारत के पहले गवर्नर जनरल, जल्दी आप लोग कमेंट कर सकते हो। तो जो सती प्रथा है उसका जो अंत है ना भारत में, वो राजा राम मोहन राय के प्रयासों से किया गया था, ये आप लोग ध्यान रखना, सन 1829 में लॉर्ड विलियम बेंटिंक के शासनकाल में। लेकिन यहां पे मैं क्या कह रहा हूं, यहां पे मैं ये कह रहा हूं कि गोवा में सती प्रथा का अंत या दक्षिण में सती प्रथा का अंत, सती प्रथा का इसने भी एंड किया था भारत में साउथ में। तो अल्बुकर्क ने सती प्रथा का अंत किया था भारत में, ध्यान रहे। मैं देखो दक्षिण की बोल रहा हूं, गोवा में बोल रहा हूं, तो यहां पर इन्होंने सती प्रथा का अंत किया था, ठीक है। तो सती प्रथा का अंत किया इसने यहां पे। देखो भारत के अंदर कैसे ये लोग अपना पहचान बनाने लग रहे हैं, सती प्रथा का अंत किया। उसके बाद इन्होंने ये कहा था कि जो भी पुर्तगाली है वो ज्यादा से ज्यादा पुर्तगाली व्यक्ति इंडियन महिलाओं से शादी करे, जिससे कि रिलेशन अच्छा बना रहेगा और यहां पर इनको कोई भी दिक्कत नहीं आएगी भविष्य में, जो भी बार बार राजा एक तरह से इनके खिलाफ अटैक करने आ जाते हैं। अगर हम यहां पर पैठ जमा ले इंडिया में, अपना अड्डा बिल्कुल हर तरीके से अपना अड्डा बना ले तो बेनिफिट होगा अच्छा। तो भारतीय महिलाओं से शादी करना, कि भारतीय महिलाओं से शादी करो, ज्यादा से ज्यादा भारतीय महिलाओं से शादी करो, इसने पुर्तगाली व्यक्तियों से कहा कि हिंदुस्तानी महिलाओं से शादियां करो, और भारतीय महिलाओं से इन्होंने स्त्री विवाह करवाए और सती प्रथा का अंत कर दिया, जिससे महिला परेशान भी थी। तो आकर्षित तो हो गए पुर्तगाली के प्रति हमारे देश के कुछ लोग, ठीक है। तो ये सारा काम किया कि हिंदुस्तानी महिलाओं से शादियां करो और गोवा अपनाए भाई, आओ गोवा वाले बीच पे भाई घूमने, क्यों, समझ रहे हो ना। तो ये सारी चीजें, ठीक है। तो सती प्रथा का इसने अंत किया था दक्षिण में। और स्त्री विवाह वाली मैंने एक बात बताई है, आप लोग उसको भी समझना, स्त्री विवाह इसने पुर्तगालियों का, कि ज्यादा से ज्यादा भारतीय महिलाओं से शादियां करो। तो ये सारी चीजें मैं आपको बता रहा हूं, समझ जाओगे। तो दूसरा गवर्नर अल्फांसो डी अल्बुकर्क की मैं बात कर रहा हूं। इसके बाद इसके और भी पॉइंट आप लोग याद करना चाहो, मैं और भी इसके पॉइंट आपको बता देता हूं। एक शायद आपने सुना होगा, विजयनगर साम्राज्य का एक शासक हुआ करता था, बड़ा महान शासक, इंपोर्टेंट पराक्रमी, हिंदुस्तान का राजा कृष्णदेव राय जी। बिल्कुल कृष्णदेव राय, बाबर ने बाबरनामा में भी कृष्णदेव राय का जिक्र किया है, और दक्षिण भारत का सबसे पावर राजा के नाम से भी उसने कृष्णदेव राय को संबोधित किया है। तो कृष्णदेव राय राजा था, ये महान एक कवि भी था ये कृष्णदेव राय। इन्होंने एक बुक भी लिखी थी, अमुक्त माल्याद नाम की पुस्तक भी लिखी थी उन्होंने तेलुगु भाषा में। तो संस्कृत का तेलुगु का बड़ा विद्वान था, इसके दरबार में अष्ट दिग्गज भी हुआ करते थे। पढ़ेंगे कृष्णदेव राय का शासनकाल, बहुत बढ़िया टॉपिक है। विजयनगर साम्राज्य जो कि हरिहर बुक्का के द्वारा स्थापित किया गया था सन 1336 में। तो जो कृष्णदेव राय है ना, ये विजयनगर का शासक है। इस कृष्णदेव राय से अल्बुकर्क ने एक मांग की थी कि जो भटकल क्षेत्र है, भटकल दक्षिण में जो भटकल है ना, भटकल, इस भटकल क्षेत्र में कृष्णदेव राय जी हमें एक दुर्ग बनाने की परमिशन दे दो, हम भटकल में एक पुर्तगालियों का दुर्ग यानी कि फोर्ट बनाना चाहते हैं। तो क्या क्वेश्चन बनाओगे आप यहां पर, भटकल में कृष्णदेव राय से दुर्ग बनाने की आज्ञा इस अल्बुकर्क ने ही ली थी, भटकल के अंदर दुर्ग बनाने की आज्ञा। तो कृष्णदेव राय एक महान शासक थे। और एक और एक्स्ट्रा मैं आपको बता दूं यहां पर, इस कृष्णदेव राय के शासनकाल में, इधर मैं आपको लिख देता हूं इधर साइड में, इस कृष्णदेव राय के शासनकाल में एक पुर्तगाली व्यक्ति हुआ करता था बारबोसा। बारबोसा
और एक व्यक्ति और हुआ करता था डोमिंगो पायस। ये जो दो पुर्तगाली मैंने व्यक्ति यहां पे लिखे शायद आपको दिख रहा होगा, बारबोसा और डोमिंगो पायस, ये दोनों पुर्तगाली है और ये दोनों पुर्तगाली व्यक्ति हमारे देश में आए थे 16वीं शताब्दी में। और ये दोनों किसके दरबार में गए थे? कृष्ण देव राय के दरबार में। तो कृष्ण देव राय के दरबार में आने वाले दो पुर्तगाली यात्री बारबोसा और दूसरा मैंने बताया डोमिंगो पायस। और बारबोसा ने तो कृष्ण देव राय के शासनकाल की बड़ी एक तरह से बड़ाई भी की थी, यानी इसने ये कहा था कि कृष्ण देव राय का शासनकाल, उसका साम्राज्य इतना अच्छा साम्राज्य है कि उसके दरबार में, उसके साम्राज्य में कोई भी बंदा किसी भी टाइम एंट्री कर सकता है, कोई रोक टोक नहीं है, बड़ा अच्छा शासन है कृष्ण देव राय का। ये आपको पढ़ाए भी जाएंगे वैसे, लेकिन हम पुर्तगाली के साथ इनका लिंक बना रहे हैं कि इस कृष्ण देव राय के शासनकाल में पुर्तगाली व्यक्ति भी आए थे और इसी कृष्ण देव राय जी से भटकल में दुर्ग बनाने की परमिशन ली थी। किसने? अल्बुकर्क ने, कि जी हमने भटकल के अंदर, भटकल क्षेत्र में एक दुर्ग बनाना है। तो ये सारी बातें मैं आपको कर रहा हूं, जो दूसरा गवर्नर है उसके शासनकाल में क्या क्या चीजें हो रही है वो मैंने आपको बताया है, समझ रहे होगे। हिंद महासागर पर इसने नियंत्रण कर लिया था, पहला वाला जो हिंद महासागर पर नियंत्रण नहीं कर पाया, लेकिन ये हिंद महासागर पर नियंत्रण कर लेगा और इसने हिंद महासागर पर नियंत्रण किया। इसने एक सिस्टम भी लागू किया था, ध्यान रहे, इसने एक सिस्टम भी लागू किया था अल्फांसो डी अल्बुकर्क ने, और जो सिस्टम था ना उसका नाम था कार्टेज, कार्टेज आर्मेडा और काफिला, कार्टेज आर्मेडा और काफिला। ये कार्टेज आर्मेडा काफिला किसके द्वारा, ये सिस्टम किसके द्वारा लागू किया गया है? कार्टेज आर्मेडा काफिला, कार्टेज आर्मेडा और काफिला, शब्द को सुनना मैं क्या बोल रहा हूं, कार्टेज आर्मेडा और काफिला, ये जो सिस्टम है ना ये अल्फांसो डी अल्बुकर्क लागू कर रहा है। अब होता क्या था, देखो इनका हिंद महासागर पर नियंत्रण हो चुका था और भारत में उस समय अन्य लोग भी व्यापार कर रहे थे, जैसे मैं बार बार बता रहा हूं आपको, तुर्क, गुजराती है ना, अरबी, जो भी व्यापार कर रहे थे ये, ठीक है। तो कार्टेज आर्मेडा काफिला सिस्टम में होता क्या था, कार्टेज आर्मेडा में कि अगर कोई भी हिंद महासागर में व्यापारी व्यापार कर रहा है हिंद महासागर के जरिए, तो भाई अगर किसी के भी जहाज हिंद महासागर में जाएंगे तो भाई हम पुर्तगालियों से तुमने परमिशन लेनी पड़ेगी, लाइसेंस लेना पड़ेगा, हमारी बिना परमिशन, हमारे बिना लाइसेंस किसी भी व्यापारी के जहाज समुद्र में नहीं जा सकते, हिंद महासागर में, अरब सागर में नहीं जा सकते, समझ रहे हो ना। तो समुद्र में अगर किसी अन्य व्यापारी के जहाज जाएंगे तो भाई साहब इस पुर्तगाली गवर्नर की परमिशन लेनी पड़ेगी, इन पुर्तगालियों से लाइसेंस लेना पड़ेगा। आप लोग देख रहे हो समय कैसे चेंज हो रहा है, यानी कितना इन्होंने एक तरह से अपना अड्डा बना लिया है हिंदुस्तान के समुद्री क्षेत्रों में। कार्टेज आर्मेडा यानी कि अगर कोई भी व्यापार समुद्री रास्ते से कर रहा है, कोई भी किसी समुद्री जहाज जा रहा है, तो भाई उस व्यापारी को हमसे लाइसेंस लेना पड़ेगा। काफिला यानी कि अगर कोई लाइसेंस ले लेता है तो उस व्यापारी के साथ साथ, मान लो कोई तुर्क का व्यापारी, गुजरात का व्यापारी है, तो उस व्यापारी के जहाज के साथ साथ पुर्तगालियों के जहाज भी उनके साथ साथ चलते थे कि कभी ये अन्य व्यापारी पुर्तगाल के खिलाफ कोई एक्शन ना ले, या मान लो कोई राजनीतिक ना कर दे, कोई गेम ना खेल दे। तो एक डिफेंस के रूप में आप चाहे कह सकते हो, या किसी अन्य व्यापारी से या किसी अन्य देश के साथ अन्य दूसरे व्यापारी कोई संधि ट्रीटी वगैरह साइन ना कर ले, तो काफिला यानी पुर्तगालियों का काफिला, उन पुर्तगालियों का जहाजों का काफिला भी इनके अन्य व्यापारी के जहाजों के साथ साथ चलता था। और क्या कह दिया कि अगर कोई भी व्यापारी का समुद्री जहाज आएगा समुद्र में, व्यापार करेगा इस रास्ते से, तो भाई हम पुर्तगालियों से तुमने लाइसेंस लेना पड़ेगा। तो ये सारी चीजें मैं आपको बता रहा हूं, यानी कि कार्टेज आर्मेडा काफिला किसके द्वारा, अल्फांसो डी अल्बुकर्क। ये वही अल्फांसो डी अल्बुकर्क है जिसने कोचीन को अपनी राजधानी बनाया और 1510 में गोवा पर अधिकार किया। बाकी सारी चीजें आपके सामने है, आप लोग शायद समझ रहे होंगे अल्फांसो डी अल्बुकर्क। तो दूसरा गवर्नर यानी कि पुर्तगालियों का वास्तविक संस्थापक कौन है, पुर्तगालियों का वास्तविक संस्थापक है अल्बुकर्क, ये आप लोग ध्यान रखना। नेक्स्ट, इसके बाद ऐसे काफी आए थे इनके, ठीक है। तो हमने कुछ इनमें मेन मेन के पॉइंट में आपको बता रहा हूं एग्जाम की दृष्टिकोण से, आप लोग उनको याद करने की कोशिश करना, इंपॉर्टेंट है सारे, ध्यान रहे, ठीक है। नेक्स्ट, इसके बाद में गवर्नर बता रहा हूं नुन्नो डी कुन्हा, तीसरे नंबर का,
यानी कि इसके बाद नहीं, इनकी गवर्नर की लिस्ट में एक तीसरे नंबर का, हमारे लेक्चर के अकॉर्डिंग में तीसरा नाम बता रहा हूं, नुन्नो डी कुन्हा। ठीक है, नुन्नो डी कुन्हा, ये जो गवर्नर है ये पुर्तगालियों का तीसरा गवर्नर नहीं है, लेकिन हमारे लेक्चर के अकॉर्डिंग हम इसको तीसरे के रूप में यहां पर पढ़ रहे हैं। तो इसका जो शासनकाल है, नुन्नो डी कुन्हा का जो शासनकाल है, इसका शासनकाल हुआ था भाई सन 1528 से लेकर सन 1539 ईस्वी तक। ठीक है, 1528 से 1539, सॉरी यहां पर थोड़ा मिस्टेक हुआ है, सन 1529 से लेकर 1538 तक, सॉरी। ठीक है, सन 1529 से लेकर 1538 ईस्वी तक इसका शासनकाल हुआ था। टाइम अगर आप लोग इनका याद कर रहे हो, 1529 से लेकर 1538 तक। अब जो नुन्नो डी कुन्हा है, ये कोई ज्यादा खास काम नहीं कर पाया, लेकिन इसकी शासनकाल का एक काम तो इंपॉर्टेंट है, और जो एक इंपॉर्टेंट है ना, वही मैं आपको बता रहा हूं, बाकी इसके एक दो एक्स्ट्रा भी बता दिए जाएंगे। आप लोग समझना, गोवा जो है, इस गोवा पर अधिकार तो कौन कर रहा है? गोवा पर अधिकार तो कर रहा है अल्बुकर्क। कब कर रहा है अधिकार अल्बुकर्क? 1510 में आदिल शाही यूसुफ सुल्तान से गोवा को जीत लेता है अल्बुकर्क। लेकिन राजधानी अल्बुकर्क ने गोवा को नहीं बनाया था, अल्बुकर्क ने राजधानी किसको बनाया था? राजधानी तो कोचिन को बनाया था। लेकिन नुन्नो डी कुन्हा क्या करता है? नुन्नो डी कुन्हा भाई साहब इस गोवा को अपनी कैपिटल बना लेता है सन 1530 में, और ये गोवा जो क्षेत्र है ना, ये पुर्तगालियों की राजधानी गोवा सन 1530 ईस्वी के अंदर बनी थी। गोवा पुर्तगाल की राजधानी 1530 में बनी थी, यानी कि गोवा को राजधानी बनाने वाला पुर्तगाली गवर्नर कौन है? नुन्नो डी कुन्हा। ठीक है, और गोवा जीतने वाला कौन है? तो वहां पर आप आंसर दोगे अल्बुकर्क। ये सारी बातें मैंने आपको बताई है, तो इसका एक मेन पॉइंट ये है, बाकी कुछ ज्यादा इतना खास ये काम कर नहीं पाया था। ठीक है, आप लोग ये समझ सकते हो। इसके शासनकाल में एक बात और मैं बता दूं, इसके शासनकाल में एक व्यक्ति हुआ करता था, पुर्तगाली व्यक्ति, जिसका नाम था नुनीज। अगर आप एक वर्ड ये भी थोड़ा सा सुनना, ये नुनीज नाम का एक घोड़ा व्यापारी हुआ करता था, ये समझना, एक घोड़ा व्यापारी, पुर्तगाल का घोड़ा व्यापारी था ये। ठीक है, घोड़ा व्यापारी, और ये नुनीज नाम का व्यक्ति है ना, ये नुन्नो डी कुन्हा के शासनकाल में हमारे देश आया था ये। मैं क्या बात कर रहा हूं, नुनीज नाम का एक पुर्तगाली व्यक्ति है जो भारत में आता है, किसके शासनकाल में? नुन्नो डी कुन्हा के शासनकाल में, और ये विजयनगर साम्राज्य में जाता है। ठीक है, नुनीज नाम का व्यक्ति, तो नुनीज अलग है, ये एक व्यापारी है, ये घोड़ा व्यापारी, नुनीज नाम का व्यक्ति, समझ जाओगे। और ये एक जगह है तूतीकोरिन, एक और मैं आपको बताऊं यहां पे, तूतीकोरिन नामक, जो उस समय मोतियों के कारण फेमस हुआ करता था, मोती के कारण फेमस हुआ करता था, तो ये यहां पर भी जाता है तूतीकोरिन, इस मोतियों वाले क्षेत्र में, मोतियों वाले भंडार में भी ये पहुंचता है, नुनीज नाम का व्यक्ति। ठीक है, तो ये सारी चीजें आप लोग इसके अंदर याद करना। एक आयुक्त देवराय नाम का राजा हुआ करता था, अगर थोड़ा लिंक और यहां पर आप लोग बनाना चाहो तो, आयुक्त देवराय, विजयनगर का राजा था ये आयुक्त देवराय, तो इस आयुक्त देवराय के शासनकाल में ये पुर्तगाली घोड़ा व्यापारी हमारे भारत आया था, और ये तूतीकोरिन में गया था, और उस समय तूतीकोरिन, पुर्तगाली उस शासनकाल में तूतीकोरिन नामक जो जगह है, वो मोतियों के कारण विश्व प्रसिद्ध हुआ करता था, मोतियों के कारण फेमस हुआ करता था। ठीक है, तो ये मैंने यहां पर नुन्नो डी कुन्हा की बात की है, तो नुन्नो डी कुन्हा में एक इंपॉर्टेंट चीज आप याद करना, नुन्नो डी कुन्हा के शासन काल में पुर्तगालियों की राजधानी गोवा बन जाती है, और गोवा कई साल तक इनकी राजधानी रहती है। तो गोवा जीतने वाला कौन है और गोवा को राजधानी बनाने वाला कौन है? तो दोनों अलग अलग है, शायद आप लोग अंतर इन दोनों में समझ गए होंगे। तो ऐसे इनके काफी गवर्नर आए थे, और उन सभी में सबसे ज्यादा जो इनका मेन है वो अल्फांसो डी अल्बुकर्क है, जो कि इनका वास्तविक संस्थापक के नाम से जाना जाता है। आप लोग समझ चुके हो, मैंने इसके पूरे डिटेल आपको दे दी है। ठीक है, ऐसे इनके काफी गवर्नर हुए थे, टोटल 128 गवर्नर हुए थे इनके, और उन सभी में अगर हम बात करें, सबसे अंतिम की बात करें, सबसे लास्ट की बात करें, यानी कि 128वां टोटल, ध्यान रहे मैं क्या कह रहा हूं, 128 हुए थे टोटल, और 128 में सबसे लास्ट में जो आया उसका नाम था वैसालो ई सिल्वा।
वैसालो ई सिल्वा नाम का एक व्यक्ति है, ये पुर्तगाली गवर्नर है। वैसालो ई सिल्वा, ये वैसालो ई सिल्वा पुर्तगालियों का अंतिम गवर्नर था, ये ध्यान रहे। और 128वां था ये, 1958 में बनता है और सन 1961 तक ये पुर्तगालियों का गवर्नर रहता है। वैसालो ई सिल्वा नाम की मैं बात कर रहा हूं, वैसालो ई सिल्वा 1958 से सन 1961 ईस्वी तक इन्होंने शासन किया था। और आप लोग जानते होंगे 1961 में तो पुर्तगालियों से हमारा जो क्षेत्र है यानी गोवा और दमन दीव, ये पुर्तगालियों से आजाद हो गए थे 1961 में। पुर्तगाली लोग सबसे पहले आए थे और सबसे लास्ट में यानी कि 1961 में इस गोवा क्षेत्र को आजाद करके जाते हैं। और आज गोवा हमारे देश का हिस्सा है, भारत का एक स्टेट है, ठीक है। प्रतिवर्ष 19 दिसंबर को गोवा लिबरेशन डे यानी कि गोवा मुक्ति दिवस भी मनाया जाता है। गोवा लिबरेशन डे प्रतिवर्ष 19 दिसंबर को मनाया जाता है, गोवा लिबरेशन डे। तो लास्ट वैसालो ई सिल्वा था, 1961 तक ये रहा था, 1958 से 1961 तक। उसके बाद गोवा आजाद हो गया और वर्तमान में आप लोग देख रहे होंगे गोवा भारत के एक राज्य है, ठीक है। 30 मई, ध्यान रहे, 30 मई सन 1987, 30 मई 1987 को गोवा भारत का राज्य बन गया था, 30 मई 1987 को। तो ये सारी चीजें आप लोग याद करना, ठीक है। और लगभग जो पुर्तगाली लोग हैं हमारे देश में लगभग 450 साल यानी कि 450 साल तक ये भारत में शासन करके गए हैं। गोवा वर्तमान में भारत का स्टेट है, 30 मई 1987 को गोवा भारत का राज्य बन चुका है। भारत का सबसे छोटा स्टेट है आज की तारीख की अगर मैं बात करूं, ठीक है। ओनली 3702 वर्ग किलोमीटर इसका टोटल एरिया है, 3702 वर्ग किलोमीटर, ठीक है। भारत का सबसे छोटा स्टेट है क्षेत्रफल की दृष्टि से, ठीक है। 3702 वर्ग किलोमीटर इसका टोटल इन प्रेजेंट टाइम में क्षेत्रफल है गोवा का। तो ये सारी चीजें याद करना आप, ठीक है। गोवा के मैंने सॉरी क्या नाम है पुर्तगाल के कुछ गवर्नर की मैंने बात की थी इस लेक्चर के अंदर। तो आशा करता हूं ये लेक्चर आपको पसंद आया होगा। अगर आपको ये लेक्चर अच्छा लगा तो आप लोग लाइक करना, ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर करना, और जिन्होंने भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को सब्सक्राइब ही कर लेना, बेल आइकन दबा देना, जिससे कि आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे और आप लोग अन्य वीडियो से भी नॉलेज ग्रहण करते रहो। थैंक यू सभी को।